जो आदि और अंत में नित्य मंगलमय है, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं होती है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता हैं, जिनके पांच मुख हैं और जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप पांच प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मन ही मन में चिंतन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र है और जहाँ गंगा जमुना का संगम हुआ है, उस परम पावन प्रयाग में जो ब्रह्म लोक का मार्ग है, सत्य व्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया है। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहां मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। सूत जी को आते देख वे सब मुनि उस समय हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्न चित्त से उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति कर विनयपूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, सर्वज्ञ विद्वान रोम हर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपने व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए ही संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की है। इसीलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र में बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगार है, इन्हीं तीनों लोकों में भूत वर्तमान और भविष्य तथा और जो भी कोई वस्तु है वह आपसे अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधार गए हैं। इसी व्यास से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। हमने पहले भी आपसे शुभ शुभ तत्व का पूरा पूरा वर्णन सुना है, किंतु उससे तृप्ति नहीं होती है, हमें उसे सुनने की बारंबार इच्छा होती है। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह ही हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने में मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे और सबके सब सत्य भाषण से मुंह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे, पराए धन को हड़प लेने की इच्छा भी करेंगे, उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे, अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे, मूढ़ नास्तिक और पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से द्वेष रखेंगे, ब्राह्मण लोभ रूपी ग्राह के ग्रास बनेंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मत से मोहित रहेंगे, अपनी जाति और कर्म को छोड़ देंगे, प्रायः दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल के संध्या उपासना से दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे, समस्त क्षत्रिय वे स्वयं धर्म का त्याग करने वाले होंगे, कुसंगी पापी और व्यभिचारी होंगे, उनमें शौर्य का अभाव होगा, वे कुशित चौरे कर्म से जीविका चलाएंगे, शूद्रों का सा बर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का किंकर बना रहेगा, वैश्य संस्कार भ्रष्ट सर्वधर्म त्यागी कुमार्गी धनोपार्जन परायण तथा नापतौल में अपने कुसित वृद्धि का परिचय देने वाले होंगे। इसी तरह शूद्र ब्राह्मण भी आचार से तत्पर होंगे, उनकी आकृति उज्जवल होगी, अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूषा से विभूषित होकर व्यर्थ घूमेंगे, वे स्वभावतः ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे, उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे और वे कुटिल और दुष्निंदक होंगे। यदि धनी हुए तो कुकर्मों में लग जाएंगे, विद्वान हुए तो वाद विवाद करने वाले होंगे, अपने को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे, समस्त वर्णों को अपने संपर्क से भ्रष्ट करेंगे, वे लोग अपने अधिकार सीमा से बाहर जाकर द्विजोचित सत्कर्मों का
अनुष्ठान करने वाले होंगे। कलयुग में स्त्रियां प्रायः सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होंगी। सास ससुर से द्रोह करेंगी, किसी का भय नहीं मानेंगी, मलिन भोजन करेंगी, कुसित हाव भाव से तत्पर होंगी। उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा और वे अपने पति की सेवा से सदा ही विमुख रहेंगी। सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जिन्होंने अपने धर्म को त्याग दिया है, ऐसे लोगों को इंद्रलोक एवं परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी, इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है, अतः जिस छोटे से उपाय से इन सब पापों का तत्काल नाश हो जाए उसे इस समय कृपा पूर्वक बताइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। व्यास जी कहते हैं, उन भावित आत्मा मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे इस प्रकार बोले।